भाई आज हम दिखाने वाले P18 Pro की पूरा ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ मैं आपको, A to Z को इंडोर बताने वाला हूँ, मतलब जो छत की टेरेस होती है वहाँ पर कितना स्टेबलाइज रहता है। तो सबसे पहले अगर आप बॉक्स खोलोगे वही सेम ड्रोन मिल जाता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? भाई आज जो जिस ड्रोन की बात करने वाले हैं भाई, वो एकदम ही बीस ड्रोन है P18 Pro। लास्ट वीडियो में हमने इसका ट्यूटोरियल देखा था आउटडोर में, आज हम इंडोर ट्यूटोरियल करने वाले हैं। इतना जबरदस्त ड्रोन है भाई, ब्रशलेस मोटर, गिम्बल, कैमरा और इतनी जबरदस्त स्टेबिलिटी के साथ आता है। आज हम देखने वाले हैं उसी ड्रोन के बारे में। पहले हमने आउटडोर करा था, आज हम इंडोर करने वाले हैं, क्योंकि आउटडोर में तो पता नहीं चलता, आज इंडोर देखते हैं कितनी स्टेबिलिटी रहती है। भाई आज हम दिखाने वाले हैं P18 Pro की पूरा प्रॉपर कैसे उड़ेगा, किस पूरा ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ मैं आपको, A to Z सारी चीज़ें। आपको मैंने आउटडोर तो लास्ट वीडियो में बता दिया था, आज मैं आपको इंडोर बताने वाला हूँ, मतलब जो छत की टेरेस होती है वहाँ पर कितना स्टेबलाइज रहता है, आज पूरी की पूरी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और कैसे उड़ाना है उसका भी ट्यूटोरियल इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप बॉक्स खोलोगे वही सेम ड्रोन मिल जाता है। ये इसका ड्रोन, ड्रोन के अंदर की बैटरी है, यहाँ बैटरी है, और ये इसका रिमोट कंट्रोलर है। रिमोट कंट्रोलर में बैक साइड में इसको ढक्कन खोलोगे तो ये 3 सेल यहाँ पर डालने को मिलेंगे। अब मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। भाई सबसे पहले इसमें A1, A2, A, B, C, D दे रखा है आपको। सबसे पहले आपको खोलना है A वाला पॉट, फिर ये B खोलना है, C खोलना है और ये D। इसको खोलना ज़रूरी है क्योंकि क्या है कि, और इसको प्रॉपरली खोलना है, बिल्कुल H2H खोलना है ताकि इसको ये क्रैश होने से बच सके। और इसके ऊपर एक लेंस होता है, वो होगा शीट, वो आप उतार लेना, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इसको नीचे रखना है, ठीक है। ये मैंने बटन दबाया, इसके टॉप में एक बटन होता है, ठीक है, ये मैंने इस पर लगाया। इसका आप रिमोट कंट्रोलर खोलोगे, अब आपको ये दिखा, अब आपको जैसे मैंने अभी फ़ोन कनेक्ट नहीं कर रहा, फ़ोन मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कैसे होगा। अब मैं ये वाला बटन दबा रहा हूँ, ठीक है, ये दबाया मैंने बटन, फिर कैलिब्रेट करेंगे इसे, इसको करके ये कैलिब्रेट हो गया ये वाला। अब मैं 1 की स्टार्ट से ये स्टार्ट कर दूँगा, ये देखो ये प्रॉपर स्टेबल ड्रोन है। अभी मैं ये वाला बटन दबाऊंगा ना प्रॉपर, इसका ये वो ऑन हो गया, आपका ऑब्स्टेकल सेंसर, ऑब्स्टेकल होता है ना, बिल्कुल स्टेबल हो गया। ये वाला बटन दबाते ही स्टेबल हो गया, बिल्कुल आपका कहीं इधर उधर जाएगा नहीं है, स्टेबल ड्रोन हो गया, ठीक है। आपको कैमरा ऊपर नीचे करना है, यही सेम ऊपर नीचे के लिए है कैमरा यूज़ करने के लिए। और इस साइड जाना है लेफ्ट, अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगा ये देखो कितना फास्ट, कितना एकदम रिस्पॉन्स है, बिल्कुल बढ़िया रिस्पॉन्स देता है कैमरा। ये देखो मैं इंडोर उड़ा रहा हूँ, ये इंडोर का है, और ये देखो हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है ऊपर, आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में, और देखो कितना स्टेबल ड्रोन है, ये देखो प्रॉपरली, ठीक है। कैमरा रिकॉर्डिंग, फ़ोटो खींचना, और इसके 3 मोड है मोटर की, अगर आपको और तेज़ करनी है ये वाला बटन दबाना, बहुत तेज़ हो जाएगी, ये देखो और तेज़ हो गई रिस्पॉन्स टाइम मोटर, और ये तीसरा वाला बताऊँगा तो और तेज़ हो जाएगी हाई रिस्पॉन्स। ये देखो अब मैं आपसे नॉर्मल कर देता हूँ, आपको बिल्कुल स्टेबल हो गया आपका, देखो कितनी तेज चल रही है, उसके बाद भी बिल्कुल स्टेबल रहा है। ऑप्टिकल सेंसर ऑन है, स्टेबल रह रहा है, बिल्कुल ये रिटर्न टू होम वाला बटन है, बिल्कुल स्टेबल है। अब मैं 1 की 2 स्टॉप कर सकता हूँ, ये लैंड करा देगा एक बटन दबाते हैं, ये देखो। तो भाई देख लिया आपने कितना स्टेबल ड्रोन है भाई, बिल्कुल एकदम एक जगह पे ही खड़ा रहता है, इधर उधर कहीं नहीं जाता और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। और भाई इस ड्रोन में आपको ब्रशलेस मोटर, गिम्बल कैमरा, और वो भी कंट्रोलेबल गिम्बल कैमरा, आप हवा में भी कंट्रोल कर सकते हो गिम्बल कैमरा को, मतलब बहुत सारे फीचर्स के साथ यह ड्रोन आता है। तो भाई आपको नंबर फ्लैश कर रहा होगा, भाई स्टॉक बहुत ही लिमिटेड रहता है, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, आपको जब भी ऑर्डर करना है जल्दी ऑर्डर कर लो, नंबर फ्लैश कर रहा होगा स्क्रीन पर।
और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।